morning, everyone. Welcome back to a fresh new vlog. I hope everybody is doing good. So, आज मेरी एक क्रिकेट गेम है, but मैं बहुत लेट हूँ. I have to be there at 1:30 और अभी ऑलरेडी हो गए हैं 12:40 and I have to reach Fremont. तो अभी फटाफट हेवर्ड बार्ट पहुँचते हैं एंड देन वहाँ से बार्ट लेके फ्रीमॉन्ट. चलो बढ़िए. सो रीच्ड हेवर्ड बार्ट एंड आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं निकला एंड विद इन 10 मिनट्स मैं हेवर्ड बार्ट पहुँचा हूँ. ऐसा कभी होता नहीं है बिकॉज यूजुअली सिग्नल ट्रैफिक मिलता ही है, बट आज एक भी सिग्नल नहीं मिला एंड थ्रू आया हूँ मैं. तो आज जब लेट हो रहा था तो अच्छा हुआ नसीब से कि कोई सिग्नल विग्नल कुछ मिला नहीं, फटाफट पहुँच गया. अभी 3 मिनट में बाट आएगी तो बाट पकड़ के अपन जाएंगे फ्रीमॉन्ट. हमेशा जो आपके लास्ट मोमेंट वाले प्लान होते हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल जाते हैं. तो आज का तो एक्चुअली में कुछ प्लान नहीं था. मैं उठा सुबह को, आई थिंक मेरे दोस्त का मुझे फ़ोन आया अराउंड 12:30 को मेरे दोस्त का फ़ोन आया मुझे. या और मैं उठा था 12:20, 12:25, उठ के बस मैं वॉशरूम गया, वॉशरूम से बाहर आया और उतने में उसका फ़ोन आया कि ब्रो गेम है एंड तू आ पाएगा क्या. मैंने बोला हाँ मैं आ जाऊँगा, कहाँ पे है. तो उसने बोला फ्रीमॉन्ट में ही है. मैंने बोला ठीक है, फ्रीमॉन्ट इतना दूर नहीं है. बट फिर उसने बोला कि ब्रो 1:30 रिपोर्टिंग टाइम है. मैंने बोला ऑलरेडी 12:30 हो गए, 1:30 तक मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगा. मैंने बोला ठीक है कर लेंगे, मतलब 4 साल इंजीनियरिंग में सब ऐसे ही किया है हम लोगों ने, लास्ट मोमेंट में सब कुछ कवर किया है. मैंने बोला कर लेंगे कुछ नहीं, तो मेरे को 10 मिनट दे मैं नहा के आता हूँ. तो उसने उसे बोला नहीं देखो रजिस्टर करना पड़ेगा पहले. तो उसने मेरे को एक लिंक भेजी, मैंने पहले उस पर रजिस्टर किया, फिर मैं नहाने गया. 5 मिनट में मैं नहाया हूँ, नहा के बाहर आया. फिर मैंने मेरे दोस्त को बोला कि तू बस ब्रेकफास्ट रेडी कर ले. उसने ब्रेकफास्ट रेडी किया, पीनट बटर एंड कॉफ़ी मैंने पी एंड उसके बाद मैं फटाफट लाइक आई थिंक 5 मिनट में हुआ GoPro सब सेट किया, मैंने स्कूटर लिया और मैं निकला. 10 मिनट में हेवर्ड बार्ट पहुँचा एंड नसीब से एक भी सिग्नल नहीं मिला, कुछ ट्रैफिक नहीं मिला. बार्ट भी मुझे तुरंत लाइक बार्ट पर पहुँचा और 3 मिनट में मेरे को बार्ट मिल गई. तो आई थिंक इट्स अ गुड डे. अब होपफुली वहाँ जाके अच्छे से परफॉर्म करना है क्योंकि बहुत टाइम बाद क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो अच्छे से परफॉर्म करना एंड होपफुली वीकेंड में. एंड द रीज़न मैं आज इतना लेट उठा इज बिकॉज कल रात को मैं लेट सोया. क्योंकि अगर आपने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा जो मैं सल्फर क्रीक गया था एंड देन दैट एंडेड विद जकूजी, तो वो कल था. कल ही मैंने वो सब किया, रात को मैंने एडिटिंग की एंड आई थिंक मेरा यहाँ पे कुछ 3:45 AM का अपलोड टाइम था. तो 3:45 तक मेरा सब चल रहा था. ओके, तो वो सब एडिटिंग किया, फिर यूट्यूब पे डाला, उसमें भी टाइम लगता है चेक्स एंड एवरीथिंग. क्योंकि 4K क्वालिटी में अपलोड होने के लिए कम से कम 90 मिनट्स लगता है. लाइक वंस योर वीडियो इज़ अपलोडेड उसके 90 मिनट्स बाद वो 4K में अवेलेबल होता है. तो मुझे वो चेक करना था कि वो बराबर हुआ या नहीं. तो कल रात को सोते सोते भी मेरे लेट हो गए एंड देन ऑफकोर्स अभी लेट सोया हूँ तो लेट ही उठूँगा मैं. तो लेकिन या काफ़ी मज़ा आ रहा है एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग दैट आई लाइक. फटाफट इंस्टेंटली चीज़ें होते जाती है एंड यू रिस्पॉन्ड टू इट एंड यू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. रीच फ्रीमॉन्ट, अभी बाहर जाके मेरे दोस्त को मिलता हूँ, वो मुझे पिकअप करेगा एंड देन ग्राउंड पे जाएंगे. सो हमेशा मैं यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत गाली देता हूँ कि बहुत स्लो है, बहुत कॉस्टली है. बट आज मेरा दोस्त वो आ रहा है, वो गाड़ी में आ रहा है, लेकिन उसको ट्रैफिक लग गया तो उसे लेट हो जाएगा एंड मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आया तो मैं टाइम पे पहुँच गया. तो हाँ प्रोज एंड कॉन्स है, कभी कभी चल जाता है तो चल जाता है. बट हाँ अभी रुका हूँ, बस वो आएगा उसके बाद उसके साथ बैठ के ग्राउंड पे जाएंगे. ग्राउंड यहाँ से कुछ 25 मिनट्स की दूरी पे है, बट मुझे स्कूटर पे नहीं जाना है बिकॉज मेरे को रास्ता भी नहीं पता एंड मैप्स पे कान में ईयरफोन्स डाल के स्कूटर पे जाना इज़ नॉट दैट सेफ. तो आई वेट फॉर हिम, वो आएगा फिर उसके साथ ही जाऊँगा.
पहुंच गए ग्राउंड पे, लेकिन फुटबॉल गेम चालू तो वो ख़त्म होगी, उसके बाद हमारा चालू होगा। सो ब्रेकफास्ट करके निकला था, तो इट्स बेटर टू हैव वन प्रोटीन बार बिफोर गेम। We won the toss and we've decided to bat first. It's a 20 overs game. He has shots, but you don't have to go all. Behind, it's fine. Keeper! Hey, ball hi nahi tha haath mein. The ball is out in the hand. Not out, right? Good run, thank you. He rode right now. That's okay, boy. Good one. Hands are coming, guys. Ashay. Shot. Four. डॉट बॉल को दो में कन्वर्ट करा। गुड कॉल अंकित, गुड रन अंकित। He reached, man. Oh God. Bala, one question. Can you keep caught the ball and then can keeper do this? पीछे से कर सकते हैं ना, आगे से नहीं कर सकते ना। बॉलिंग के टाइम कैन चेक नाउ, बट भाई बैड लक यार। जुगर यार बहुत पहुंच गया था यार अंदर वो। गुड बैटिंग। वाज वेरी मच इन, मैन। सो बैटिंग चल रहा हमारा अभी एंड लास्ट ओवर है। I scored 14 runs of 31 balls. And I was there from like first over se, I was there till 13th over. We abhi I think hamare kuch 75 runs hue hain, last over hai.
विकेट वॉज वेरी स्लो एंड काफ़ी स्लो गेम है, मतलब विकेट इतनी स्लो है कि रन ही नहीं आ रहे थे. एंड अपेरेंटली करंटली आई एंड वन मोर बैट्समैन वी बोथ हैव द हाइएस्ट रन ऑफ 14 अब तक. लेट्स सी इफ वी कैन पुल इट ऑफ इन द बोलिंग. Game. So it'll be out for two months at least. They are saying the calcium has to go and then rejoin the bone. Last mein catch pakadte the mid off pe tha, seedha mara, ye level pe aaya. So I went like this, my old keeping habits. ठीक है नहीं लेकिन उनके गोटे आगे थे वो that batsman जो बंदा उसने सरसों को एक दो चौक So end of the game and unfortunately we lost the game. Last over tak gaya, we lost the game I think 19.1 over mein hum log hare. 18 for 18 ho gaya tha and that time we thought ki hum log we'll pull it but penultimate over mein zyada do boundaries chale gaye and fir wahan pe morale bhi down ho gaya aur fir game bhi chali gayi. But overall wicket was very slow to uske hisab se I think मेरा तो फर्स्ट गेम तक रिग्बी के लिए. तो लेट्स सी होपफुली और खेलने मिलेगा और ज़्यादा मैचेस खेलने मिलेंगे. बढ़िया दैट्स द सीन ऑफ द डे. टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट, जब गेम स्टार्ट हुआ तब तो धूप थी एकदम सही था बट एज एंड व्हेन सेकेंड इनिंग स्टार्ट हुई इतनी ठंड पड़ गई लाइक लिटरली आई हैड टू वेयर दिस बिकॉज फील्ड करने के लिए हाथ जम रहे थे, बॉल लिटरली लग रहा था हाथ में. बट काफ़ी मज़ा आया इवन दो वी लॉस्ट द गेम बट लॉट ऑफ पॉजिटिव्स, काफ़ी मज़ा. अभी आई एम हेडिंग होम एंड फॉर्चुनेटली राइड भी मिल गई है तो या. ऑल राइट सो बैक होम एंड व्हाट अ वंडरफुल डे. आई मीन क्रिकेट इज समथिंग that you know makes me feel alive. और अगर मुझे कभी दो ऑप्शन मिले कि रक्षित तुझे घूमने जाना है या तुझे क्रिकेट खेलना है, आई विल ऑलवेज चूज़ क्रिकेट. एंड USA आके ये मेरा पहला गेम था, मैं पहले इंडिया में खेलता था और यहाँ आके ये मेरा पहला गेम था एंड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव्स. इवन दो वी लॉस्ट बट देर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स टू टेक अवे फ्रॉम द गेम. व्हेन आई से पॉजिटिव्स व्हाट डू आई मीन, तो आई वॉज एबल टू यू नो रोटेट द स्ट्राइक, आई वॉज एबल टू सी द बॉल, टाइमिंग कर पा रहा था एंड फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आई वॉज एबल टू कन्वर्ट सिंगल इंटू डबल्स. जहाँ पे रन नहीं थे वहाँ पे भी मैं रन ले पा रहा था. तो दैट इज़ समथिंग जो मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ यू नो इवन दो आई हैवन्ट प्लेड फॉर अ लॉन्ग टाइम आई कैन स्टिल कॉन्ट्रीब्यूट इन अ वे. जब बाउंड्री पे भी मैं खड़ा था तो वहाँ से भी मेरे थ्रोज एक्यूरेट जा रहे थे, एक कैच भी लिया मैंने. तो ये सब चीज़ें यू नो स्मॉल थिंग्स गिव यू डोपामिन रश एंड कॉन्फिडेंस मिलता है. एंड वन थिंग आई नो के मैं अगर कंसिस्टेंटली खेलूँगा तो आई कैन प्ले रियली गुड. तो या सो बहुत ही अच्छा दिन था. आई मीन आई हैव लेस वर्ड्स टू डिस्क्राइब हाउ गुड इट वॉज. हाँ आई नो मैं इतना व्लॉग नहीं कर पाता बिकॉज फील्ड पे हूँ, कहाँ पे कैमरा लेके भागूँ मैं एंड कितना क्या कैप्चर करूँ, इट जस्ट हैपेंस राइट. बट आई एन्जॉयड अ लॉट एंड फॉर मी दिस वॉज अ परफेक्ट सैटरडे. सो आई थिंक आई विल एंड दिस व्लॉग हियर. अभी मैं पालक पनीर खा रहा हूँ बिकॉज लंच हुआ नहीं, ब्रेकफास्ट किया था फिर एक दो प्रोटीन बार खाए मैंने ऑन द ग्राउंड एंड लंच स्किप हुआ. तो अभी प्रॉपर आई विल हैव पालक पनीर, यू नो थोड़ा प्रोटीन भी मिलेगा, कैलोरीज भी मिलेंगी और इट्स टेस्टी. सो दैट विल बी इट फॉर दिस व्लॉग. आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो. अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डू लेट मी नो कैसा लगा. आई विल डेफिनेटली सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.